देखो, एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, ठीक है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है? इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है? और ये क्वेश्चन का पार्ट, ये क्वेश्चन के बीच में यूज होती है इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है? देखो, इस टाइप की अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उसकी हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है? तो आ जाओ, देखो, जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था, मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपको यही यूज होने वाली है, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a−x) dx, ठीक है? और कई बार क्वेश्चंस में आपको कुछ अपनी मर्जी से ऐड सब्ट्रैक्ट भी करनी चीजें पड़ती हैं, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो आ जाओ, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लो, देन i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स की जगह क्या जाएगा, π/2 − x dx, यानी कि आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 0 to π/2 लॉग कॉस एक्स डीएक्स, ये मेरे पास आ गया, ठीक है? दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड एंड, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है? ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सब ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कोई वो नहीं है। तो i + i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन एक्स डीएक्स, 0 to π/2 लॉग कॉस एक्स डीएक्स ये आ जाएगा। देन 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इकट्ठा करके, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज हुई तो ब्रैकेट ओपन भी हुई होगी, ठीक है? ओके, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, देन 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, इसमें मैं लॉग 2 ऐड कर रहा हूं और लॉग 2 ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है? ओके, देखो, इस ये क्वेश्चन एक अलग ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो, इसको आपको लग जाएगा पता मैंने क्यों किया अभी। तो नाउ 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, इन तीनों को मैं लिख सकता हूं इकट्ठा करके, लॉग ऑफ m एंड p, ठीक है? लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, लॉग एम एन पी, तो क्या जाएगा, लॉग 2 sin x cos x − log 2 dx लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है? नाउ 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन 2x dx − 0 to π/2 log 2 dx, अलग अलग कर लिया, ठीक है? ओके, देन 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन 2x dx, एंड इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी −log 2 बाहर, एंड दिस इज x, 1 बचेगा तो x की 0 to π/2, ठीक है? यही आएगा, एंड विच इज इक्वल टू 2i इंटू 0 to π/2 लॉग साइन 2x dx − क्या जाएगा, π/2 log 2, ठीक है? इसे मैंने सॉल्व किया, ये आया। ओके, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, मैं स्टेप लंबे खींच दिए, 2-3 स्टेप आपके इकट्ठे भी हो सकते थे, ये सारे स्टेप तो एक स्टेप में भी हो सकता था, ठीक है? अब देखो, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो यहां मैं कर रहा हूं पुट 2x इज इक्वल टू, अगर मैं p पुट कर दूं तो मेरे पास dx क्या जाएगा, dp/2, ठीक है? ये चीज आ जाएगी, 2x को मैं p पुट कर रहा हूं, ठीक है? अब यहां पर देखो, मेरे पास अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू 0 है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है? और जब मेरे पास x की वैल्यू π/2 है, तो मेरे पास p की वैल्यू क्या हो जाएगी, π। तो देखो, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 2i इज इक्वल टू 0 to π
लॉग साइन पी डी पी माइनस पाई बाय टू लॉग टू लिख सकता हूं, डी पी बाय टू ये चीज आएगी। ठीक है, अब देखो इस टू को मैं बाहर लिख रहा हूँ, 1/2 यहाँ आ गया बाहर। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो, तो देखो लॉग साइन पी डी पी लॉग साइन एक्स डी एक्स सेम है, जस्ट वेरिएबल चेंज है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी की थी हमने कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स को हम 0 to a एफ ऑफ टी, ये दोनों एक ही बात है, दोनों चीज क्या है, अगर ये आई है तो वो भी आई होगा। ठीक है, ये एक्स की जगह क्या आ गया, टी, तो यहां पर एक्स की जगह क्या आ गया, पी डी पी, सेम है बिल्कुल, लिमिट भी सेम होनी चाहिए, पर यहाँ 0 to π/2 है, यहाँ 0 to π है। अब आपको यहाँ लिमिट सेम करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को हम 0 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज थी। ठीक है, अगर ये 2 यहां आगे आ सकता है, यानी कि ये 2 यहां है, इसे हटाना है तो हम इसे 2a भी लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज है, ऐसे है ना। ठीक है, अगर ये 2 यहां पर है तो हम इसे यहां से यहां भी लिख सकते हैं, यही मतलब हुआ इसका। तो अगर यहाँ 2 की जगह 1/2 हो, ठीक है, इसे हमें यहां ले जाना है तो हम इसे 0 to a/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे पाई बाय टू चाहिए, यहाँ पाई एक जगह पाई लिख लो, पाई बाय टू आ गया, पाई बाय टू आया कि नहीं आया, एक जगह पाई। ठीक है, जस्ट a इज रिप्लेस बाय पाई, एक बार फिर सुन लो, शायद आपको ना लगा पता। 0 to अगर मेरे पास यहाँ 2a है तो इसे हम 0 to ऐसे भी लिख रहे हैं, यानी कि ये a 2 आगे भी आ रहा है। ठीक है, अगर इस 2 की जगह 1/2 हो तो ये 1/2 जाएगा ऊपर, यानी कि यहां क्या होगा, a/2। ठीक है, जस्ट रिप्लेस a/π, यानी कि 0 to π/2 इज इक्वल टू 1/2 0 to π, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यानी कि 0 to π को हम, ठीक है, पाई बाय टू लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 into 0 to π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2i इज इक्वल टू 1/2 into 2 0 to π/2 log साइन पी डी पी माइनस पाई बाय टू log 2। ठीक है, देखो मैं ऊपर आप कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, एक बार फिर समझा दूं आपको ये लिमिट का। ठीक है, देखो मेरे पास है ए, ठीक है, ये मेरे पास है ए, ठीक है, ये है 0। ठीक है, देखो यहां मैं 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, इस 1/2 को मैं ऐसे रहने दूं, इस 2 को ऊपर ले जाऊं तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसे, ठीक है, ये 2 ऊपर वाला ऐसे रहने दिया और 1/2 ऊपर ले गया, तो इसे मैं a/2 लिख सकता हूँ, 0 to। ठीक है, वही चीज है ये, जस्ट रिप्लेस a/π। ठीक है, अगर 0 to π, यहां पर a की जगह पाई लिख दो यहां पर, तो क्या आएगा, 2/2 0 to π, इसे हम लिख सकते हैं 2 into 0 to π/2, वही चीज मैंने यहां पर की है। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आ जाओ नेक्स्ट। देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो मेरे पास अगर 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 एंड log साइन पी डी पी माइनस π/2 log 2, ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब देखो दिस इज 2i एंड इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, i लिख सकता हूं, तो आई माइनस पाई बाय टू लॉग टू, ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस पाई बाय टू लॉग टू। ठीक है, ये चीज समझ में आई, तो ये इसका आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले। ठीक है, हाँ जाओ एक्सरसाइज पर चलते हैं,
और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos kx dx। ठीक है, यहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ, 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। मैक्सिमम क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। तो देखो, एक तो देखो हमारे पास मेथड था कि cos के x की हम कैसे करते थे, 1 + cos 2x / 2 में कन्वर्ट कर लो और इसे इंटीग्रेट कर दो, कॉस के को इसमें कन्वर्ट कर लो और इसे इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा मेथड क्या, बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज योर आई। ठीक है, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टी 0 to π/2 cos kπ/2 − x dx प्रॉपर्टी का यूज करके। देखो पेपर में आपको क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेग्रल, अगर स्पेशली मेंशन किया है कि इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करना है तो आपको प्रॉपर्टी का यूज करके ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, विदाउट प्रॉपर्टी करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर नहीं पूछा तो जैसे मर्जी करो। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा है, जस्ट सॉल्व लिखा है, तो आप प्रॉपर्टी का यूज करो, चाहे मत करो, जैसे मर्जी सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज लिखा तो प्रॉपर्टी का यूज ही करना है। देखो मेरे पास आई क्या आ गया, 0 to π/2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 to π/2, इसे मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इकट्ठा लिख सकता हूँ, इतना जंप कर सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो ये dx आ गया। देन 2i इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन इज x फ्रॉम 0 to π/2, दैट इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू π/2 − 0 एंड i इज इक्वल टू क्या है, π/4। कोई सिंपल क्वेश्चन हो, ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, आया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको ट्राई करोगे, सिंपल ही है, वो हो जाएंगे आपसे। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, आई मान लिया मैंने पहले ही, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट, देखो कई क्वेश्चन प्रॉपर्टी का यूज करके ही होते हैं, विदाउट प्रॉपर्टी नहीं होते। ठीक है, एंड दिस इज अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, यहां भी मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करूँ, विदाउट प्रॉपर्टी नहीं होने वाला है। ठीक है, मुश्किल है। तो यहां देखो आई इज इक्वल टू 0 to π/2, दिस इज π/2। ठीक है, इसे मैं sin π/2 − x अंडर रूट एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, डिवाइड बाय sin π/2 − x का अंडर रूट प्लस cos π/2 − x का अंडर रूट लिख सकते हैं dx। ठीक है, नाउ i इज इक्वल टू 0 to π/2, दिस इज अंडर रूट कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 − x, और यहां क्या जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। अगर आप ढंग से देखो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं ऐड कर दू तो यहाँ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ठीक है, ऐड करने पर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो आपके पास हर क्वेश्चन में ऐड होगा ही होगा जब आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे। मेरे पास ये था 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइड बाय, एलसीएम ले लो, एलसीएम इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ठीक है, तो मेरे पास ऐड करके ये आ गया और ये आपस में कट गया, सेम है। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 डी एक्स, तो 2i क्या आ गया मेरे पास, एक्स 0 to π/2 एंड 2i इज इक्वल टू π/2 − 0 और आई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, π/4।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई उजाला वो नहीं है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ठीक है। मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, मोड में है, ठीक है। उसके बाद आपने सिक्स्थ क्वेश्चन आपने वो ट्राई खुद करना है, वो भी मोड में है, ठीक है। तो यहां मैं फिफ्थ क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले। देखो ये है मोड में क्वेश्चन, ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है। ये 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मिल जाता है पेपर में देखने के लिए आपको ये, ठीक है। अब देखो ये मोड वाले क्वेश्चन है, ये मैं फिर बता दूं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहां पर आपको वैल्यू निकालनी कि किस पॉइंट पर मोड एक्स प्लस टू की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, इसे डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि एक तो ये एक्स प्लस टू आएगा और माइनस एक्स प्लस टू, या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, या यहाँ पर नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये कब होगा? इफ एक्स प्लस टू पॉजिटिव कब आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू होगी। और नेगेटिव कब आएगा? एक्स प्लस टू इज लेस देन जीरो कब आएगा? जब एक्स लेस देन माइनस टू होगा, एक्स इज लेस देन माइनस टू, ठीक है। मुझे ये पॉइंट चाहिए था, मुझे ये पॉइंट मिल गया। नंबर लाइन लगा लो, यहां पर क्या है? माइनस फाइव लिख लिया, ऊपर क्या है? फाइव, तो फाइव लिख लिया। और ये माइनस टू पॉइंट कहाँ आएगा? कहीं यहाँ बीच में आ गए दोनों के, ठीक है। अब आपको यहाँ चेक करनी है वैल्यू, इसकी पॉजिटिव कहाँ होगी, नेगेटिव कहाँ होगी। माइनस टू और फाइव के बीच में कोई पॉइंट ले लो, माइनस टू और फाइव के बीच में आपने ले लिया मानो जीरो, ठीक है। तो जीरो पुट करो, क्या आएगा मेरे पास? सॉरी, जीरो, ठीक है, जीरो पुट किया तो मेरे पास आएगा यहां पर प्लस का, ठीक है। एक्स प्लस टू क्या आएगा? प्लस का आएगा। एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास? पॉजिटिव। अगर माइनस फाइव और माइनस टू के बीच में आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, मैंने माइनस थ्री पुट कर दिया, तो माइनस थ्री प्लस टू क्या आएगा? नेगेटिव नंबर। इन दोनों के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, माइनस वन पुट कर लो चाहे फोर पुट कर लो, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये किस लिमिट में ब्रेक हो रहा है? माइनस फाइव डिनोमिनेटर इससे स्टार्ट करना है, तो माइनस फाइव से माइनस टू, नेगेटिव, नेगेटिव का एक्स प्लस टू डी एक्स, ओके। नाउ प्लस माइनस टू पर ये ऊपर खत्म हो, तो माइनस टू से स्टार्ट, माइनस टू से फाइव, ठीक है। एक्स प्लस टू क्या आ रहा है मेरे पास? पॉजिटिव डी एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया, अब क्या बचा? आई इज इक्वल टू माइनस बाहर एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू एक्स, लिमिट क्या है मेरे पास? माइनस फाइव से माइनस टू, एंड प्लस, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स, एंड लिमिट इज माइनस टू टू फाइव, पुट कर दो तो आई क्या जाएगा? माइनस माइनस टू से पुट किया तो फोर अपॉन टू माइनस फोर, माइनस फाइव पुट किया माइनस फाइव स्क्वायर 25 अपॉन टू एंड माइनस 10, ये चीज आ जाएगी। एंड प्लस दिस इज 25 अपॉन टू प्लस 10 माइनस 4 अपॉन टू एंड माइनस 4 विच इज इक्वल टू आई, ये क्या जाएगा? टू, टू माइनस फोर, टू माइनस फोर माइनस 25 अपॉन टू प्लस 10 प्लस 25 अपॉन टू प्लस 10, दिस इज टू, टू माइनस फोर इज माइनस टू प्लस टू, 10 प्लस टू, ठीक है। ये आएगा 25 बाय टू, 25 बाय टू प्लस 10 प्लस 10 एंड माइनस, यानी कि ये आ जाएगा माइनस बाहर, एंड दिस इज 4 बाय टू एंड माइनस 4, तो ये आ गया 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस, ये आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा आई इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6 प्लस 2 8, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस 8 एंड प्लस 25 बाय 2 एंड प्लस 25 बाय 2 प्लस क्या जाएगा? 12, ये चीज आ रही है। एंड विच इज इक्वल 25 बाय 2, 25 बाय 2 ऐड किया 25 एंड 12 माइनस 8 इज प्लस 4 विच इज इक्वल टू 29, तो इसका आंसर 29 आएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को ब्रेक करना और करना है, लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करोगे, मोड का क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने ट्राई करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोड वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको ऐसे करने में भी लेंथी लग रहा है, जब प्रैक्टिस करोगे
तो हार्डली 25 to 30 seconds में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है, कई बार एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है। इसे मैंने आई मान लिया, इसमें वही मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, 0 to a f(x) डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a f(a) - x डी एक्स, ठीक है, ओके। तो देखो यहां पर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 0 to 1 a - x, तो यहां की जगह a की जगह क्या है 1, ठीक है, f(x) की नहीं लगे पता, साइड में लिख लो, ये आपके पास, ठीक है, ये मेरे पास x है, ठीक है। तो f(a - x) a की वैल्यू क्या है 1 - x, तो क्या आ जाएगा, x इज रिप्लेस्ड बाय 1 - x एंड दिस इज 1 - 1 - x, ये ब्रैकेट 1 पावर है, तो 1 - x एंड 1 - 1 + x की पावर n, तो ये मेरे पास 1 - x इंटू x की पावर n आ रहा है, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - x और x की पावर n dx। हमने क्वेश्चन किया था, पीछे भी क्वेश्चन किए हैं, पुट 1 - x इज इक्वल टू टी, ठीक है, पर यहां पर हम क्वेश्चन प्रॉपर्टी का यूज करके कर रहे हैं, ठीक है, जो ध्यान रखना आपने। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 to 1 x की पावर n माइनस x की पावर n + 1 dx। तो i इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन x की पावर n +1 डिवाइड बाय n +1 माइनस x की पावर n +2 डिवाइड बाय n +2 एंड लिमिट क्या है इसकी 0 to 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 अपॉन n + 1 - 1 अपॉन n + 2, एक्स की वैल्यू 0 पुट की, 0 अपॉन समथिंग इज 0, ये भी 0 हो गया, तो यही बचेगा आपके पास, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम इज n+1 into n+2 और यहाँ n+2 - n - 1 एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन n+1 into n+2, ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। आ जाओ 8th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है, ठीक है, इस बार नहीं आया था, पिछली बार भी नहीं आया था, ठीक है, यानी कि इस बार इसके बहुत चांस हैं फाइनल पेपर में आने के क्वेश्चन से, ठीक है। 8th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं नहीं बोलता एग्जाम में आने का, पर इसके बहुत चांस हैं, ठीक है। ये है आपके पास 0 to π/4, 0 to π/4 log of 1 + tan x एंड dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैं वही प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, ठीक है, इसको मैंने आई मान लिया, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a) - x dx, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ आई क्या आ जाएगा, 0 to π/4, ठीक है, log ऑफ 1 + tan π/4 - x dx। देखो tan π/4 - x π/2π होता या π/2 का मल्टीपल होता तो मैं इसे लिख लेता, कॉट में लिख लेता, ठीक है, -10 में लिख लेता, पर ये π/4 - x है तो यहाँ तो प्रॉब्लम होगी, तो मैं करूँगा यहाँ पर tan a - b का फार्मूला यूज कर लूंगा, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, tan a - b विच इज इक्वल टू tan a + 1 में ही हमने ये फार्मूले -tan b / 1 + tan a × tan b, यही होता है। तो ए की जगह π/4 है, बी की जगह क्या है मेरे पास एक्स, तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास 0 to π/4 log ऑफ, यहां से करना गलती नहीं करनी, 1 + यहां कर रहा हूं, तो tan π/4 - tan b डिवाइड बाय 1 + tan π/4 एंड दिस इज tan b dx। देन आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log, ठीक है, 1 + tan
टेन पाई बाय फोर इज वन, तो वन माइनस टेन बी अपॉन, यहाँ क्या जाएगा, टेन पाई बाय फोर इज वन, तो वन प्लस टेन बी एंड डी एक्स यही आएगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log, ठीक है, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया मेरे पास, वन प्लस टेन बी, तो क्या आएगा, वन प्लस टेन बी प्लस वन माइनस टेन बी डी एक्स, टेन बी से टेन बी कट गया, क्या आ गया, टू अपॉन, ठीक है। तो यहां मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है, स्पेस चाहिए क्वेश्चन के लिए मुझे। तो ये क्या जाएगा, I इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 upon 1 plus tan b dx, ठीक है, ओके। अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या इसे मैं log 2 माइनस log ऑफ 1 plus tan b लिख लूँ, ठीक है, नहीं लिखना मत लिखो, यहीं छोड़ दो। नाउ दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, क्या करेंगे, एड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, देन आई प्लस आई, ये आई सेकेंड का ये आई, प्लस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड 0 to π/4 इकट्ठा लिख रहा हूं, log ऑफ 1 plus tan x, ठीक है, प्लस log ऑफ 2 upon 1 plus tan x dx, यही आएगा। देन 2i इज इक्वल टू 0 to π/4 log m प्लस log n log m into n, log m क्या है, 1 plus tan x, 1 plus tan x into n क्या है, 2 upon 1 plus tan x, ये आ गया dx, tan x कट गया। 2i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx, तो 2i log 2 इज कॉन्स्टेंट, log 2 बाहर, तो क्या बचा मेरे पास, 0 to π/4 dx, एंड 2i इज इक्वल टू log 2, एंड दिस इज क्या जाएगा, x फ्रॉम 0 to π/4, तो 2i क्या आ गया मेरे पास, log 2 into π/4, ठीक है। तो यहां कर रहा हूं मैं, दैट इंप्लाइज आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, पाई बाय फोर बाहर, तो पाई बाय एट log 2, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या की, पाई बाय एट log 2, तो इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास आ रही है पाई बाय एट log 2, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम चांस होते हैं इसके एग्जाम में आने के, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x√2 − x dx, ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सेम फार्मूला यूज कर वाले हैं, कौन सा, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a) − x dx, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी है, ठीक है, अभी पीछे भी किया था। तो देखो इससे मैं क्या लिखता हूँ, आई फ्रॉम 0 to 2 x की जगह क्या जाएगा, 2 − x, मैंने आपको बताया था आपने कैसे करना है, एफ एक्स की वैल्यू लिख लो पहले, एक्स इंटू √2 − x, नाउ एफ ऑफ a − x, तो एक की जगह क्या है, 2 2 − x, एक की जगह क्या आपके पास यहां पर 2, तो ये ध्यान रखना आपने, तो 2 − x एंड √2 − x इज रिप्लेस बाय 2 − x, ये क्या आ गया मेरे पास 2 − x, एंड 2 से 2 कट जाएगा √x, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, क्या गया 2 − x एंड √x dx, तो आई इज इक्वल टू 0 to 2 2 − x एंड x की पावर 1/2 dx, क्योंकि हमने क्वेश्चन किए हैं पहले भी,
कि हमें यहाँ पर अनरूट के अंदर सिंगल टर्म चाहिए होती है। अगर सिंगल टर्म नहीं है अनरूट के अंदर, हम सिंगल टर्म बनाते थे बाय सब्स्टिट्यूशन से और बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो देखो इसे क्या लिखता हूँ, 2 × x^(1/2 − x^(3/2 dx, यही आएगा। ठीक है, तो नाउ आई इज इक्वल टू 2 × x^(1/2 × x^(3/2 / 3/2, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास 2/3, इतना तो कह सकते जान। ठीक है, −x^(3/2 × x^(3/2 + 1, 3/2 + 1, यानी कि क्या जाएगा 5/2, और यहाँ 2/5, 0 to 2। तो नाउ आई इज इक्वल टू 4/3, x की वैल्यू क्या है 2 की पावर 3/2 − 2/5 × 2 की पावर 5/2, और ये 0 0 ही जाएगा। ठीक है, तो नाउ आई इज इक्वल टू 4/3 × इसे क्या लिख लो 8, यानी 2√2 लिख सकते हैं इसे, −2/5 × 4√2 लिख सकते हैं। तो क्या आ गया मेरे पास, आई इज इक्वल टू 8√2/3, ठीक है, एंड −8√2/5, डिनोमिनेटर इनका एलसीएम क्या जाएगा 15, तो 40√2 − 8√0 = 24√2, देन आई इज इक्वल टू 16√2/50। तो ये इसका आंसर आ गया सॉल्व करके, तो ये था आपके पास। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम आपका एक ही फार्मूला इसमें यूज हो रहा है।